उम्मीद है आपको पता होगा फ्लिपकार्ट अमेजोन की इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है। ऑलरेडी मेरे चैनल में यार 15,000 रुपए वाला वीडियो आ चुका है, आज बारी है 20,000 रुपए की। मैं आपको यार 5 धुरंधर फोन बताऊंगा जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन है। सबका रिव्यू कंपैरिजन वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसीलिए समय पे आपको वीडियो नहीं मिलते हैं। फटाफट लाइक के बटन को भी खूब सारा दबा दो। हर एक फोन में अच्छा और बुरा दोनों होता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। 5वें नंबर में है Honor का X9V। ये फोन 20,000 रुपए के ऊपर यार अमेजोन में है, लेकिन कूपन लगाने के बाद 20,000 रुपए के अंदर मेरे हिसाब से अच्छा वाला विकल्प हो सकता है। आगे की तरफ 120Hz का कर्व वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट है, चाहे जितनी भी धूप हो आराम से आप देख सकते हैं। फोन का जो वजन है वो है 185 ग्राम, मतलब बहुत ही हल्का फुल्का वाला फोन है, लेकिन जो वेट मैनेजमेंट है बड़ी वाली बैटरी के साथ वो तो बहुत ही गजब का है। 5800 mAh की जो बैटरी है वो बिंदास या 1.5 दिन चल जाएगी। बैटरी बैकअप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बैक में 108 MP का जो कैमरा है ये भी यार आपको अच्छी वाली फोटो दे देगा। 5 MP का अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर मिल जाता है। UI में इधर उधर वाली तनिक सी आपको एप्लीकेशन मिलेगी। सॉफ्टवेयर का अपडेट यार आ चुका है Android 14, लेकिन नेक्स्ट अपडेट आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में अभी नहीं बता सकता, लेकिन Honor वालों को सॉफ्टवेयर पे भी यार अब ध्यान देने की जरूरत है। परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 6th Gen 1। जिस प्राइस ब्रैकेट में ये प्रोसेसर अब मिल रहा है ना, मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से Honor X9B में बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या प्रोज है क्या कौन से अब आपके सामने है। यदि आपको Honor का फोन नहीं लेना है, अभी इंडिया में आया है OnePlus Nord CE 4 Lite। देखिए फोन तो अच्छा है, लेकिन अंदर जो प्रोसेसर है ना वो है 695। काश ये प्रोसेसर ना होता ना तो मजा आ जाता। यदि आपको OnePlus का फोन लेना है 20,000 रुपए के अंदर, तो भैया आपके पास है OnePlus Nord CE 4 Lite। 4th नंबर में है IQ का Z9। ये फोन भी Amazon में बिक रहा है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 7200। मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल है, गेम खेलते समय आपको तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बैक में यार प्लास्टिक का ही उपयोग किया गया है, लेकिन देखने में फोन जच रहा है। बैक कवर लगा के फोन का उपयोग करेंगे आपका ही फोन सुरक्षित हो जाएगा। डिस्प्ले में भी यार कोई कमी नहीं है। 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले आपको काफी ब्राइट लगेगा। आउटडोर की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1800 nits की। HDR का भी यार आपको सपोर्ट मिल जाता है। 5000 mAh की जो बैटरी है वो 1 दिन चल जाएगी। बॉस के अंदर 44W का चार्जर आपके फोन को यार सही से चार्ज कर देगा। हाँ थोड़ा सा स्लो हो सकता है। UI में तनिक सी इधर उधर वाली एप्लीकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, लेकिन आप इसे डिलीट कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है Android 14 के साथ फोन आया है, 2 Android के वर्जन, 3 साल का सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया गया है। बैक में 50 MP का जो कैमरा है ये आपको अच्छी वाली फोटो दे जाएगा, लेकिन कोई भी अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर नहीं है। 4K वाले वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। बस यार एक ही कमी है, जो है अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर। मेरे हिसाब से आईको का Z9 आपको काफी बेहतरीन लग सकता है। यहाँ पर क्या प्रोज है क्या कौन सा है अब आपके सामने। सैमसंग गैलेक्सी M35 भी यार काफी अच्छे वाले प्राइस में इंडिया में लॉन्च हुआ है, अमेजोन में बहुत ही कमाल के डिस्काउंट में आएगा। तो मेरे हिसाब से जिनको लंबे समय तक सॉफ्टवेयर का अपडेट चाहिए, कमाल का कैमरा भी हो, तो भाई आप सैमसंग के गैलेक्सी M35 की तरफ भी जा सकते हैं। 3rd नंबर में है मोटो का G85 5G। देखिए इनकी एक अच्छी बात है जो है बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। आपको फोन लेने के बाद ना काफी प्रीमियम फील होगा। बैक में हल्का सा कर्व है, वीगल लेदर के साथ आता है। आगे की तरफ भी यार 120Hz का POLED डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। बस मुझे HDR का सपोर्ट हर एक जगह चाहिए तो मजा आ जाएगा। आउटडोर की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1600 nits की। इस फोन का कंपैरिजन वीडियो भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, जाके देखिए आपको पता चलेगा यहां पर आपको और क्या कुछ अच्छा मिलता है। प्रोसेसर है Snapdragon का 6th Gen 3। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, भैया ये कौन सा प्रोसेसर है? आपको याद है Snapdragon का 695? बस यार उसी में थोड़ा सा इधर उधर करके नए नाम से इस प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया गया है। वैसे ही परफॉर्मेंस मानिएगा, बस यार वो 19 है और ये 20 है। बैक में 50 MP का जो कैमरा है ये आपको अच्छी वाली फोटो देगा। अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है, OIS के साथ आता है।
अब यार मोटो पहले जैसा नहीं रहा है, धीरे धीरे करके अपने कैमरे में भी ध्यान दे रहा है। यूआई में इधर उधर वाली आपको एप्लीकेशन नहीं मिलती है, बिल्कुल साफ सुथरा वाला सिस्टम है। लेकिन जो स्मार्ट कनेक्ट वाला फीचर है, आप इसका उपयोग पक्का करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। बैटरी है 5000 mAh की, 33 W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल रहा है। लेकिन ये जो फोन है ना, ये 30 W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 2 Android के वर्धन, 3 साल का सिक्योरिटी पैक देने का वादा तो किया गया है, लेकिन कब अपडेट आएगा थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है, स्पीकर लाउड है, लेकिन इस फोन में IP68 वाली रेटिंग नहीं दी गई है। मेरे हिसाब से जिस प्राइस ब्रैकेट में मोटो G85 बिक रहा है ना, ये काफी घातक हो सकता है। OnePlus वालों को काफी कड़ी टक्कर दी है यार इस वाले डिवाइस ने। अब बात करते हैं 2 नंबर के फोन की, और यहां पर है Realme का P1 Pro। देखिए इस फोन में भी आपको कर्व वाला डिस्प्ले मिलता है, वो भी काफी अच्छे डिजाइन के साथ। जो कलर मेरे पास है ये मुझे भा रहा है, अब तो यार Realme वालों ने अपना लिया है गोल गोल वाले कैमरे का डिजाइन। पीक ब्राइटनेस ठीक है, धूप में आप फोन को देखेंगे तब भी यार आपकी आंखों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, वन हैंड वाला फोन मैं कह सकता हूँ, काफी चपक के हाथ में बैठता है। प्रोसेसर है स्नैपिंग का 6 Gen 1। इसी वीडियो में एक बार आप पहले भी सुन चुके हैं इस प्रोसेसर के बारे में, जो है Honor X9 भी प्रोसेसर में बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सही से काम कर रहा है। बैटरी है 5000 mAh की, लेकिन बॉस के अंदर जो चार्जर है ना वो है मात्र 45 W का। बैटरी तो ठीक है, लेकिन चार्जिंग में आपको तनिक से समय लग सकता है, यूआई भी आपको साफ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ है, 2 Android के वर्धन, 3 साल का सिक्योरिटी पैच पक्का यहां पर मिल जाएगा। कैमरा है 50 MP का, अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है भैया, OIS के साथ आ रहा है, फोटो आपके सामने है, यहां पर भी डिटेल की कोई कमी नहीं है। ओवरऑल देखा जाए ना, Realme का P1 Pro काफी अच्छा वाला बंडल है, और जिस प्राइस ब्रैकेट में आज गेट में बिक रहा है ना, आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। यदि आपको ये वाला डिजाइन नहीं पसंद आ रहा, फ्लैट डिस्प्ले चाहते हैं, Realme का एक फोन यार Amazon में बिक रहा है जो है Narzo 70 Pro। वहां पर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का नहीं, MediaTek का 7050। कैमरा भी ठीक है, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बैक में ग्लास के साथ आता है। जो रंग आपको पसंद है, जो डिजाइन आपको पसंद है, उस फोन की तरफ आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 फोन की, वो है Poco का X6। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, बिना बैक कवर के इस फोन का उपयोग ना ही करिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि पीछे से काफी ग्लॉसी वाला फिनिश है और जल्दी से घिस भी सकता है, क्योंकि प्लास्टिक वाला ही मटेरियल मिलता है। कृपया करके बहुत ही सही तरीके से फोन का उपयोग करिएगा। प्रोसेसर है स्नैपिंग का 7S Gen 2। गेम में खेलते समय आपको तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बेंचमार्क स्कोर आपके सामने है, ना फोन हीट होता है। आगे की तरफ जो डिस्प्ले है ना, वो मेरे हिसाब से ₹20,000 में काफी गजब की है। 120Hz का फ्लैट वाला AMOLED है, वो भी गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ। पीक ब्राइटनेस 1800 nits की, बेजल्स ना के बराबर है, HDR का प्रॉपर आपको सपोर्ट भी मिलता है। बैक में 64 MP का जो कैमरा है, ये आपको डिसेंट फोटो देता है, अल्ट्रा वाइड वाला भी सेंसर है, 4K वाले वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, OIS के साथ आ रहा है। बैटरी है 5100 mAh की, एक दिन यार चल जाती है। बहुत ज्यादा 67 W का जो चार्जर है, ये भी आपके फोन को अच्छे से सुपर फास्ट तरीके से चार्ज कर देता है। यूआई में ब्लोटवेयर यहां पर भी प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन 3 Android के वर्जन देने के लिए कहा गया है। यदि आपको पोको का फोन लेना है तो मेरे हिसाब से ₹20,000 के अंदर पोको X6 काफी अच्छा वाला विकल्प हो सकता है। यहां पर क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, अब आपके सामने है। टोटल यार मैंने 5-6 फोन आपको बता दिए, अब आप बताओ आपको क्या लगता है इन सभी फोनों में कौन सा फोन काफी अच्छा वाला है। आपके दिमाग में कोई और फोन हो तो भैया नीचे कमेंट करके पक्का बता दीजिएगा। बस यार जाते हैं तो यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए, इस वीडियो को पक्का सब तक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।